जिस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका बेसिक पॉइंट ये है कि अगर इंसान को उसकी जिंदगी में उसकी डिजायर के मुताबिक सब कुछ मिलने लग जाए तो ये उसके लिए किसी खतरे से कम नहीं होता, क्योंकि उस इंसान का लालच बढ़ता रहता है। और जाहिर है कोई भी चीज हासिल करने के लिए उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ती है। और अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी का मेन कैरेक्टर एक यंग कपल होता है जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम केट होता है। ये लोग एक छोटी सी सिटी में एक घर ले लेते हैं। मैट जो कि एक आर्टिस्ट होता है जबकि केट एक ट्रांसलेटर होती है, लेकिन वो दोनों इस जॉब को स्किप कर चुके थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ करना। जिस घर में वो लोग शिफ्ट होते हैं उसके आसपास तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो घर बहुत बड़ा खूबसूरत होता है। घर को एक्सप्लोर करते हुए मैट को एक अजीबोगरीब किस्म का रूम मिलता है और उस रूम के लॉक की चाबी भी उन्हें सामान में मिल जाती है। और जैसे ही वो दोनों उस रूम को ओपन करने जाते हैं घर की सारी लाइट्स खुद ब खुद ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और इसके साथ ही लाइट्स ऑफ हो जाती है। अगले दिन ये लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं। और जब मैट बेसमेंट में जाता है तब वो काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बेसमेंट वायर से भरा हुआ है और यहाँ तक कि कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं था जहाँ पर वायर्स ना। और घर के नीचे बिल्कुल सेंटर में एक व्हील होता है जिसमें कुछ लाइट्स जल रही होती है। घर की सारी लाइट्स तो ऑफ होती हैं लेकिन वो लाइट्स जल रही होती है। इलेक्ट्रिशियन को ये सारा सेटअप काफी अजीब लगता है और इसीलिए वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन जाते जाते वो मैट को कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने ये घर खरीदा, क्योंकि बहुत टाइम से ये खाली पड़ा हुआ। और एक अजीब बात वो बताता है कि अब से पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे उनका यहाँ पर मर्डर भी हुआ। ये सुनते ही मैट काफी डर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर किसी का मर्डर हुआ और जाहिर है लोगों के लिए ये काफी डेंजर था। ये सब बातें वो केट से डिस्कस नहीं करता और खुद नेट पर सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने उस घर में रहने वाले कपल को मार दिया, लेकिन उन्हें मारने की रीजन आज तक पता नहीं चली और उसके बाद उस लड़के को एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। इन सब बातों के बाद मैट एक लैंप लेकर अकेला ही इस रूम में बैठा रहता है और वो विश करता है कि काश मेरे पास एक और ड्रिंक की बोतल। और तब उसके पास पड़ा हुआ लैंप ब्लिंक करता है और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तब उसके सामने वाइन की एक बोतल पड़ी होती है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है कि ये क्या हुआ। और वो बॉटल एग्जैक्टली उसकी बॉटल जैसी ही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब केट उठती है तब वो देखती है कि घर की सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं और वो मैट को देखने के लिए उसी रूम में जाती है। और जब केट उस रूम में जाती है तब वो देखती है कि वो रूम मुख्तलिफ चीजों से भरा हुआ है जिनमें पेंटिंग्स होती हैं, ड्रेसेस होती हैं और भी अलग तरह की चीजें होती हैं। और तब मैट उसे रियलिटी बताता है कि ये रूम हमें हर वो चीज दे सकता है जिसकी हम विश करें। और मैट केट को भी विश करने को कहता है। इस पर केट कहती है कि मुझे अच्छी सी जॉब दे दो। इस पर मैट उसे समझाता है ये रूम कोई चीज देता है, जॉब नहीं दे सकता। किसी थीम की ख्वाहिश करो और फिर तुम्हें वो मिल जाएगी। तब वो पैसों की डिमांड करती है जिस पर वो लाइट फिर से ब्लिंक होती है और एक कॉर्नर में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। पहले तो केट को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता जिस पर मैट उसे काफी समझाता है, लेकिन इसके बाद उन लोगों को इसके बारे में काफी क्रेज हो जाता है और वो अलग अलग किस्म की ड्रिंक्स मंगवाते हैं, डायमंड्स विश करते हैं, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव ड्रेसेस विश करते हैं, ड्रग्स पार्टी, और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। और उन सारे पैसों की वो एक दीवार बना देते हैं। उस रूम से वो लोग काफी कुछ ले चुके होते हैं, काफी खुश होते हैं, काफी इंजॉय कर चुके हैं, लेकिन अब उस रूम के इनवैलिड होने का टाइम आ चुका होता है जिस पर केट काफी परेशान रहने लगती है और मैट उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में ट्राई करने का कहता है। लेकिन इस बात पर केट राजी नहीं होती क्योंकि इससे पहले भी दो बार उसका मिसकैरेज हो चुका है। इन दोनों में काफी बहस होती है। तब फ्रेश एयर लेने के लिए मैट घर से बाहर चला जाता है और केट उदास होकर घर में ही बैठी रहती है। उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और वो उस रूम में जाकर बच्चे की विश कर देती है। इसके बदले में उसे बच्चा मिल भी जाता है। जब मैट घर में आता है और उस बच्चे को रोता हुआ देखकर काफी हैरान हो जाता है और केट पर शाउट करता है कि हमने सिर्फ चीजों को विश करना था, किसी इंसान को नहीं। ये तुमने क्या किया और इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो दोनों इमोशनली काफी वीक हो चुके थे और बच्चे को दोबारा वाइट भी नहीं कर सकते। मैट इस घर में होने वाले मर्डर की आर्टिकल इंटरनेट पर देता है। तब उसे पता चलता है कि किलर का नाम जॉन डो था और इसी रूम के कहने पर ही उसने उन्हें मारा था और उस किलर से मिलने मेंटल असाइलम में जाता है। मैट जब वहाँ पर पहुँचता है तब जॉन डो को पता चलता है कि ये लोग उसी घर में रह रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उस घर को छोड़कर चले जाओ। घर वापस जाते हुए मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाता है और जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तब वो देखता है कि वहाँ पर पैसे नहीं है बल्कि मिट्टी है। और यहाँ पर उस रूम के बारे में एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है और वो ये है कि उस रूम से विश की गई चीज अगर उस घर से बाहर जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो भागकर घर वापस आता है और फिर से पूरे घर को एक्सप्लोर करता है, उस वजह को जाने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों होता है, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या। लेकिन उसे वायर्स के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और यही नहीं उस बेसमेंट के अलावा पूरे ही घर में वायर्स होते। वो बच्चा काफी रो रहा होता है जिस पर केट उसे बाहर लेकर जाती है। मैट उसे मना करता है कि उसे बाहर मत लेकर जाओ, लेकिन असल रीजन नहीं बताता। लेकिन इसके बावजूद भी वो उस घर से बाहर चली जाती है और जैसे ही वो बाहर जाती है बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, उसके कलर भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर के बाद बच्चे के रोने की आवाज तो बंद हो जाती है लेकिन केट जोर जोर से चिल्ला रही होती है जो कि मैट को
आ रही होती है। तब मैट उन दोनों को अंदर लेकर आता और तब हम एक बड़ी अजीब चीज देखते हैं कि उनका वो छोटा सा बच्चा अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा था बल्कि वो तकरीबन 7-8 साल का लड़का बन चुका था। और फिर हमें पता चलता है कि अगर कोई जिंदा चीजें वो रूम देगा, अगर वो उस घर से बाहर जाएंगी तो उनकी उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और एज इंक्रीज होने की वजह से वो बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा। और यही वजह है कि उसे अंदर रखना पड़ना था। जब ये सब कुछ केट को पता चलता है तब वो काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तब तक वो बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी होती है। और तब के बाद उन दोनों हस्बैंड वाइफ में रिलेशन कुछ अच्छा नहीं होता, यहाँ तक कि सेपरेट रूम में रहने लग जाते। केट अपने बच्चे शेन को ही अपना सब कुछ समझ चुकी और मैट अपने रूम में ब्लैक एंड व्हाइट कलर करता है। शेन देखने में रहने सहने में बाकी बच्चों जैसा ही होता है, लेकिन उसका बाहर जाना अलाउ नहीं होता। और शेन को लेकर उन दोनों में काफी क्लैश रहता था। एक दिन उन दोनों के झगड़े की वजह से शेन सारी रात सोता नहीं है, वो उस पूरे घर में ही घूमता रहता है। और घर में घूमते फिरते वो उस बेसमेंट में चला जाता है और उन वायर्स उस व्हील के पास पहुंच जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने सब कुछ एक्सपोज होना शुरू हो जाता है और वो उस रूम में भी चला जाता है। तब उसे उसका सीक्रेट पता चलता है कि वो इस दुनिया में कैसे है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके पास काफी पावर्स भी हैं। तो फिर अगले दिन शेन अपने इमेजिनेशन से उस रूम को बहुत बड़ा गार्डन बना देता है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, आइस भी होती है, जिसका वो स्नोमैन बना देता है। केट जो कि उस बच्चे के साथ खुश होती है क्योंकि वो उसे अपना बच्चा समझकर उसे पाल रही होती है, लेकिन मैट इन सबसे खुश नहीं होता और उसे रियलाइज होता है कि उस बच्चे के पास काफी पावर्स हैं, इसका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है। और यही नहीं, वो बच्चा उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। इसी दौरान मैट के पास मेंटल असाइलम से जॉन डो का फोन आता है और वो अपनी रियलिटी बताता है कि उसने क्यों उस कपल को कत्ल किया। वो कहता है कि मैंने उस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उन लोगों ने उस रूम से एक बच्चा विश किया और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन डो ही होता। और अब जबकि वो बड़ा हो चुका था, उसे बाहर भी जाना था, चीजों को एक्सप्लोर भी करना था और एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन उसके लिए काफी रेस्ट्रिक्शन। तब रूम उसे कहता है कि तुम्हें बाहर जाने के लिए उसी को मारना पड़ेगा जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया, और यही वजह है कि वो विश करने वाली औरत को ही मार देता और इसके साथ साथ उसके हस्बैंड को भी मार देता और इसी वजह से वो जेल में भी चला जाता। ये सारी कन्वर्सेशन केट दूसरे फोन से सुन लेती है और गुस्से में गाड़ी लेकर घर से चली जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर। लेट नाइट वो घर ही नहीं आती और ड्राइव करती रहती है और घर पर शेन अपनी मदर के लिए पूछ रहा होता है, इस पर मैट को काफी गुस्सा आता है। तब मैट उसे रियलिटी बता देता है कि तुम्हें हमने उस रूम से विश किया था और अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो 5 मिनट में तुम बड़े होगे और बूढ़े होकर मर जाओगे। और तब वो उसे घसीटते हुए जानबूझकर दरवाजे के पास लेकर आता है, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास होता है कि जो भी है तो वो एक बच्चा ही, जिस पर वो उस बच्चे से सॉरी कहता है और उसे एक स्टोरी सुनाता है और वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं जैसे बाप और बेटा। और जब आधी रात को केट घर वापस आती है तब वो उन दोनों को साथ देखकर काफी खुश हो जाती है कि आफ्टर ऑल मैट ने उस बच्चे को एक्सेप्ट तो किया। फिर मैट की आँख खुल जाती है और वो दोनों रूम में अकेले होते और शेन उन दोनों को दरवाजे के बाहर से देख लेता और वो अपने दिल में अपनी मदर के लिए एक अट्रैक्शन को फील करता है और उसे सारी रियलिटी भी पता चल जाती है। और अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है और जब अंदर वापस आता है तो एक 17-18 साल का लड़का बन चुका होता है और अंदर आकर वो मैट को मारने की कोशिश करता है। इस दौरान केट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब केट होश में आती है तब मैट उसे बताता है कि हम दोनों के दरमियान फाइट हुई थी और इसी दौरान वो मर गया। और ये सुनकर वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें एक बच्चा मिला था और वो चला गया। तब केट उसे कहती है कि मैं इस जगह पर रहना नहीं चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती। तब मैट उसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर हमें सर्वाइव करने के लिए सब कुछ मिल सकता और हमें ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। केट को एहसास होता है कि मैट का बिहेवियर बदलता जा रहा है और वो काफी अजीब होता जा रहा है और देखते ही देखते वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तब पता चलता है कि वो मैट नहीं है, वो शेन है जो कि एक मैन बन चुका। शेन जो कि अपनी पावर्स के बारे में जानता था और वो मैट इसलिए बना था क्योंकि केट के लिए उसके दिल में इमोशंस बढ़ते ही जा रहे। फिर शेन उस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर जैसा ही बना लेता जैसा उनका घर था। केट जो कि बेहोश होती है, शेन उसे उठाकर उस रूम में लेकर जाता है। मैट जो कि बेहोश होता है, उसकी आंख खुलती है और वो पूरे घर में उन दोनों को ढूंढता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों उसे कहीं भी नहीं मिलते और यहाँ तक कि वो रूम भी लॉक होता है। और उसके साथ वाली दीवार में वो बहुत बड़ा हॉल करके अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे बहुत सारी वायर्स मिलती जिन्हें वो हटाकर उस दीवार के दूसरे पार चला जाता है और वहाँ पर उसे अपने घर जैसा ही सारा एनवायरमेंट नजर आता है। और तब मैट समझ जाता है कि सारा किया धरा शेन का है और द गेट के सामने दो दो मैट आ जाते हैं जिस पर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पर वो शेन को बुलाती है जिस पर वो रिस्पॉन्स करता है। तब उसे पता चल जाता है कि असली मैट कौन है और शेन कौन है और केट मैट को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो सब कुछ शेन की पावर से हो रहा था। वो पूरे घर का सेटअप चेंज करना शुरू कर देता है और उन्हें भागने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। जो असली मैट था अब तो घर से बाहर भाग रहे हैं जिस पर शेन भी उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो लोग उस दीवार को पार करके असली घर में आ जाते और उनके पीछे पीछे शेन भी असली घर में आ जाता है और तभी मैट उसे खींचकर घर के बाहर लाता है और तभी केट दरवाजा बंद कर देती है। काफी देर बाहर रहने की वजह
से उसकी उम्र बढ़ती जाती है और वो एक ओल्ड मैन बन के वहीं पर मर जाता है। इन सब के बाद केट काफी डिस्टर्ब रहती है और फिर वो उस घर को छोड़ देते हैं और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।